हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो फ्रेंड्स, स्वीट कॉर्न आजकल पूरे साल मिलते हैं, पर अभी बारिश के मौसम में जो ताज़ी वाली स्वीट कॉर्न मिलती है ना, उसकी तो बात ही अलग है। फ्रेंड्स, मुंबई में बहुत ही बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है इधर 2 दिनों से। और बारिश में घर में बैठे बैठे कुछ चटपटा खाने का मन करता ही है, तो जब भी आप मार्केट जाएँ, 2 स्वीट कॉर्न ले लें और घर में आकर आराम से चाट का मजे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए देखते हैं कैसे बनाना है स्वीट कॉर्न चटपटा चाट। तो हमने लिया था 2 ताज़ा वाला स्वीट कॉर्न, उसको हमने देखिए इस तरह से निकाल लिया है एक बर्तन में, और इसे हम बॉयल करेंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे, पानी कॉर्न के ऊपर तक ले लेंगे, और इसको 5 मिनट तक हम गैस पे बॉयल कर लेंगे मीडियम आंच पे। आप चाहे तो इसे ढक दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने स्वीट कॉर्न को बॉयल करने के बाद एकदम ठंडा कर लिया है, एक छन्नी में छान कर पंखे के नीचे हमने रख दिया था ठंडा होने के लिए। गरम कॉर्न में चाट नहीं बनाना है हमें, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना है। यहाँ पे लिया है हमने बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और नींबू, और ये जो लहसुन और हरी मिर्च है इसको हमने दरदरा खलबट्टे में कूट लिया है। कूटने से ज़्यादा टेस्ट आता है इसका, लहसुन और मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से आ जाता है कॉर्न में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चाट बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने डाल लिया है काला नमक, अब हम डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स। अब चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी चाट मसाला नहीं डाल रही हूँ, इसमें खट्टी मीठी इमली का चटनी डाल रही हूँ। तो ये हमने चटनी डाल लिया। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि स्वीट कॉर्न जो हम उबाल कर जब छानते हैं इसे, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमने जीरा भी डाल लिया है। अब हम डाल लेंगे प्याज, टमाटर और कूटा हुआ हरी मिर्च और लहसुन। तो ये देखिए, हमने सारा कुछ डाल लिया है। चलिए अब हम मिक्स करेंगे और नींबू भी गार लेंगे इसमें। नींबू का रस भी हमने निचोड़ लिया है, ध्यान रखें कि नींबू का बीज नहीं जाना चाहिए इसमें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, चटपटा चाट बन चुका है बहुत ही आसान तरीके से। अब इसमें अगर आपके पास थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ते हो तो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी ताज़े धनिए के पत्ते तो नहीं हैं, पर जो भी हैं मैं उसे डाल रही हूँ। अरे लीजिए फ्रेंड्स, चटपटा स्वीट कॉर्न चाट बनकर रेडी है। अब बारिश में एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और चलिए अब सर्व करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सर्व भी हो चुका है। अब ऊपर से इसमें हम 2 चम्मच इमली का चटनी और डाल लेंगे अपने स्वाद के हिसाब से, आपको कितना खट्टा मीठा पसंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्वीट कॉर्न की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और चलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।